बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको दिखाऊंगी बच्चों के कुछ घर पे बने हुए फ्रॉक्स। ये मैंने अपनी दोनों बेटियों के ये फ्रॉक्स बनाए हैं, एक 5 साल की है और एक 2.5 साल की है। कुछ फ्रॉक्स तो हैं वो मैंने बाज़ार से पीस लेके तो वो बच्चियों के बनाए हैं, और कुछ मेरे पुराने दुपट्टे पड़े हुए थे। सूट उनके काफ़ी पुराने हो चुके थे, बदरंग हो चुके थे, लेकिन दुपट्टे जो थे वो भी इस्तेमाल के काबिल थे, तो मैंने उनकी लाइनिंग लेके बच्चों के फ़्रॉक्स बनाए। आपको बहुत पसंद आएंगे, आप ज़रूर देखिएगा। नए आने वाले लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ उन तक ज़रूर पहुँच सके। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये सबसे पहली जो फ़्रॉक है ये बड़ी बेटी की है। इसके कलर्स बहुत अच्छे थे, छोटा छोटा प्रिंट था खिले हुए कलर से, तो इसे मुझे बहुत पसंद आया था। इसका मैंने गोल गला रखा हुआ है, पलटा लगाया हुआ गले पे। बच्चों के मुझे जो हैं वो गोल ही गले पसंद होते हैं, जो चकोर और वी गले होते हैं वो छोटे बच्चों को अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं बच्चियों के ज़्यादातर गोल गले ही बनाती हूँ। और ये मैंने समोसा लैस लगाई हुई है, और ये भी मुझे बाज़ार में लैस पसंद आ गई थी। इसके कलर कॉम्बिनेशन जो थे वो कपड़े के साथ बहुत मैच हो रहे थे, तो मैंने ये सीढ़ी लैस की तरह थी, मैंने ये भी इसके ऊपर लगा ली है। ये बाज़ों का डिज़ाइन भी इसके साथ बहुत अच्छा बन गया है, और आगे समोसा लैस लगाई हुई है साइडों पर भी, और ये प्लेट्स डाले हुए हैं साइडों पर। जो साइडों पर प्लेट्स डालने का आजकल जो है ना वो फ्रॉक्स का बहुत फैशन है, तो यहाँ पर मैंने डाले हुए थे, दरमियान में नहीं डाले हुए थे। दोनों साइडों पर प्लेट्स हैं और उनके ऊपर लैस लगाई हुई है। मैं जब अपनी और वीडियोस बनाऊंगी तो मैं आपको ये फ्रॉक बनाना भी ज़रूर सिखाऊंगी। उसके बाद अब हम चलते हैं दूसरी फ्रॉक की तरफ। ये जो दूसरी फ्रॉक है ये छोटी मेरी 2.5 साल की बेटी है उसकी है। इसका भी मैंने थोड़ा सा सिर्फ चेंजिंग की है, वो जो लैस सीढ़ी लैस की तरह थी वो नहीं लगाई यहाँ पे, ये दूसरी लैस है समोसा लैस, इसको ही मैंने प्लेट्स डाल के लगा दिया है। बाज़ों पे भी सेम डिज़ाइन है, इसके भी गोल गले पे मैंने वो पलटा लगाया हुआ है, और बैक साइड पे भी प्लेट्स हैं और समोसा लैस लगाई हुई है, और यहाँ पर छोटा सा बटन टेक बना के बटन लगाया हुआ है। इसके दामन पर मैंने ये समोसा लैस लगाई हुई है। ये लैस जो है ना ये दामन पर लगी हुई बहुत अच्छी लगती है, और फ्रॉक की जो है ना वो शेप भी बहुत अच्छी आती है, इकट्ठी नहीं होती फ्रॉक बार बार, तो अच्छी इसकी जो है लुक बनती है, इसलिए मैं नीचे लगा ली थी इसकी फ़्रॉक पे, ताकि फ़्रॉक जो है ना वो थोड़ी सी लंबी लंबी और अच्छी लगे। देखें इसकी शेप कितनी प्यारी आई है, नीचे से लुक अच्छी आती है नीचे लैस लगाने से। और ये शर्ट बनाई हुई है बड़ी बेटी की, इसके गले पर ये कॉलर लगाया हुआ है, और ये बाज़ुओं का डिज़ाइन है, कट रखा हुआ है बाज़ुओं में आगे, बिल्कुल वो जो मर्दाना जैसे आगे से शर्ट होती है ना वैसे ये बटन टेक रखे ना, तो आगे इस पर बटन्स लगाए हुए हैं, कॉलर पे भी बटन है, और जो इसके चाक हैं वो बंद हैं, वो चेपी लगा के उसके ऊपर भी बटन्स लगाए हुए हैं दोनों साइडों पर। और इसके दामन पर भी मैंने रेड कलर की लेस लगाई हुई है, आगे से इसका जो कट है वो ओपन है और गोल घेरा है इसका, थोड़ी सी शेप इसको गोल दी हुई है, और फिर उसके ऊपर ये रेड कलर की छोटी सी लैस लगाई हुई है। बाज़ों के ऊपर भी छोटा सा कट है और आगे थोड़ी सी लैस लगाई हुई है, इससे अच्छा जो है ना वो लुक आ जाता है फ्रॉक का। तो उम्मीद करती हूँ कि ये शर्ट भी आपको पसंद आएगी। ये दूसरी फ्रॉक है छोटी बेटी की, इस पर यह भी वैसी है पहली की तरह, लेकिन इसमें थोड़ा डिज़ाइन चेंज किया है, ये कपड़ा लगा के आगे साइडों पर ये छोटी छोटी सी लैस है, और ऊपर ये 5 बटन लगाए हुए हैं। बाज़ू इसके स्लीव लैस है, लेस लगाने के लिए ना सिर्फ थोड़ी सी शेप दी हुई है मैंने बाज़ुओं की, तो ज़्यादातर मैं इस छोटी के ना स्लीव लेस ही बनाती हूँ बाज़ू। तो इसके गले पे भी मैंने ऐसे ही गोल गला बनाया हुआ है, मगजी के साथ इसको कवर किया हुआ है, और ये घेरे पे इसके भी मैंने छोटी छोटी सी रेड कलर की लेस लगाई हुई है। ये जो फ्रॉक है ये मैंने दुपट्टे की बनाई है, तो ये मेरा एक पुराना दुपट्टा पड़ा हुआ था, सूट इसका काफ़ी साल पुराना था तो वो ख़राब हो चुका था, लेकिन दुपट्टा काफ़ी फिसलन वाला था तो मैं यूज़ नहीं करती थी, तो अब मैंने इन बच्चों की फ़्रॉक्स बना ली हैं इसकी लाइनिंग लेके पिंक कलर के साथ। तो इसकी मैंने जो है ना वो गुम सिलाई के साथ ये फ़्रॉक सिलाई की है, ताकि जो होती है ना वो रेशमी फ्रॉक होती है वो बच्चों को काफ़ी चुभती है, रेडनेस सी हो जाती है उनकी स्किन के ऊपर, तो फिर ये गुम सिलाई के साथ फ्रॉक बनाए ना तो वो बड़े अच्छे जो है ना वो लुक आता है बच्चों का, चुभती भी नहीं है। और ये भी मैंने दुपट्टे की बनाई हुई है, बाज़ुओं पे ये लगाई हुई है, पलटा लगाया हुआ है, और ये बॉर्डर वाला दुपट्टा था,
नीचे भी देखिए फ्रॉक के नीचे भी बॉर्डर आ गया हुआ है, और जो ऊपर फ्रॉक की पेटी है उसको मैंने सारा जो बॉर्डर है ना वो ऊपर ले आई हूँ, और फिर उसके ऊपर पलटा लगा के तो उसके ऊपर मैंने ऑरेंज कलर के 5 बटन्स लगाए हुए हैं। ये देखिए, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, मेरे फ्रॉक्स आपको अच्छे लगेंगे, आप इनको ज़रूर घर में अपनी बच्चियों के लिए ट्राई करेंगे। अगर आपको मेरे डिज़ाइंस पसंद आएँ तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगली वीडियो में हाजिर।